जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में हुए विवाद पर बोले मौलाना अरशद मदनी, कहा जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि मन से क्यों गए वो जाने, हमने उन पर या उनके धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की। अरशद मदनी ने कहा हम ओम मनु आदम और अल्लाह को मानने वाले हैं, वो नहीं मानते ये उनका मसला है। हम ओम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मनु को मानते हैं, आदम को मानते हैं, वो अगर नहीं मानते ओम और अल्लाह को तो उनका मसलक उनका मजहब उनके साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। मद्दी ने लोकेश मुनि के बयान पर दिया जवाब, कहा यह सच है कि माँ बाप ने हमें पैदा किया लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो माँ बाप ने हमें पैदा किया। अरशद मद्दी ने कहा बहुत से लोग नास्तिक हैं, ईश्वर अल्लाह को नहीं मानते, हम उनसे भी संवाद रखते हैं, वैचारिक मतभेद से कभी विवाद नहीं पैदा करते। अरशद मद्दी ने कहा ईश्वर को हम मनु जिस तरह मानते थे उसी तरह मानते हैं, इसका कोई आकार और प्रकार नहीं है। अरशद मद्दी के बयान पर बोले समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर्रहमान बर्क, ओम और अल्लाह एक नहीं अलग अलग, इस बयान पर होगा विवाद। आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा, आपस में बजाय मुल्क में यकजहती के बजाय इंतशार पैदा होगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की एक और किश्त, इस बार बागेश्वर सरकार को घेरा, दी चुनौती, शक्ति हो तो चीन को करें भस्म। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते रोज बॉर्डर पर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लगाई हाजिरी, किया पूजा पाठ। छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ का आयोजन 18 फरवरी तक जारी रहेगा धार्मिक महाकुंभ। बागेश्वर सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री ने कल फिर उठाया हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, मीडिया ने कमलनाथ से इस पर जानी राय। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले कमलनाथ संविधान से ही चलेगा देश। भारत जो है भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। संसद में आज भी गूंजा अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मुद्दा, दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, राज्यसभा में वेल में उतरे विपक्षी सांसद, कार्रवाई 13 मार्च तक स्थगित। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने राज्यसभा पटल से भाषण हटाए जाने का मुद्दा उठाया, रजनी पाटिल का निलंबन वापस लेने की मांग। रजनी पाटिल अननेसेसरीली शी हैज बीन सस्पेंडेड अंडर द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विरोध कर रहे सांसदों से की अपील, संविधान निर्माताओं की मूल भावना के अनुरूप रखे आचरण, चेयरमैन पर दबाव में फैसले लेने के आरोपों को बताया गलत। यू टुक द फ्लोर एंड यू हैव इंडिकेटेड इन सो मेनी वर्ड्स दैट द चेयर इज एक्टिंग अंडर द प्रेशर, दीज आर एक्सपेल्ड, यू आर फॉरफिटिंग योर राइट टू होल्ड द फ्लोर। बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 का आगाज, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश में निर्मित उत्पाद और तकनीक को बढ़ावा देना। एयर शो में दिखी मेक इन इंडिया की ताकत, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने हेलीकॉप्टर का किया प्रदर्शन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरो शो में ट्रेनर जेट का भी किया प्रदर्शन। 5 दिन में एयरो शो में 98 देशों ने लिया हिस्सा, 32 देशों के रक्षा मंत्री शामिल, 29 देशों के वायुसेना अध्यक्ष, 73 देशी विदेशी कंपनियों के सीईओ एयरो इंडिया शो में हुए शामिल, दिखा रोमांचक नजारा। पीएम मोदी ने कहा जब कोई नई सोच से आगे बढ़ता है तो व्यवस्था भी उसी हिसाब से बदलने लगती है, कहा भारत सबसे बड़े रक्षा उत्पादक देश की श्रेणी में तेजी से बढ़ रहा है आगे। पीएम मोदी ने एयर इंडिया को सिर्फ एक शो नहीं आधुनिक भारत की एक ऊंचाई और सच्चाई बताया, ये मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रतीक है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। राजनाथ सिंह ने एयर इंडिया शो में वायुसेना के पराक्रम को सराहा, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। हरियाणा में डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च कर रही है कांग्रेस, जनता को सौंपे जाएंगे कांग्रेसी वादा कार्ड। कांग्रेस के वादा कार्ड पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के हस्ताक्षर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गृहिणी को 2000 रुपए देने का वादा।
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी का आरोप, चुनाव की वजह से कर्नाटक में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह, दोनों को चुनाव तक कर्नाटक में ही रुकने की दी नसीहत। पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मॉर्निंग वॉक में लोगों से जानी उनकी समस्याएं। मदुरई में बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत 7 लोग गिरफ्तार, पीएम और गुजरात दंगे से जुड़ी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने से रोक रहे थे। मेरठ में हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, ट्रक के आगे फंसी कार दूर तक घिसटती रही, कई गाड़ियों को टक्कर मारकर भाग रहा था ट्रक ड्राइवर। कटिहार में गूंगी महिला से दरिंदगी, मक्के के खेत में मिला शव, मुंह में ठूसा गया था कपड़ा, कल से लापता थी महिला। लोगों का आशंका, रेप के बाद की गई महिला की हत्या, कान से बह रहा था खून, पेड़ भी तोड़े गए। दिल्ली के करमपुरा में एक फैक्ट्री में लगी आग, काबू पाने में दमकल की 27 गाड़ियों का इस्तेमाल। ओडिशा में चिल्का झील में 2 बसों को ले जहाज फंसा, आई तकनीकी खराबी, बसों में 100 लोग थे सवार, रेस्क्यू मिशन जारी। यूपी के रैया में वोटर आई कार्ड बना रहे एक शिक्षक से मारपीट, शिक्षक के मुताबिक कुछ लोगों ने फर्जी मतदान पत्र नहीं बनाने पर की पिटाई, केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, खरदा होटल में तोड़फोड़ का मामला। महाराष्ट्र के थाने में नाले में गिरी गाय, जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में हुआ दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में फंसकर एक बच्चे की गई जान, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। नासिक में बड़ा हादसा, रेलवे मेंटेनेंस व्हीकल के नीचे आए 4 ट्रैकमैन, सभी की गई जान। बेंगलुरु के जयानगर में गैस बलून का सिलेंडर फटा, 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। बिहार के मधेपुरा में अधेड़ ने की 6 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई मन के बात कार्यक्रम की कलाकृति। जौनपुर में पुलिस के कथित तौर पर ईसाई मिशनरीज से जुड़े 16 लोगों को किया गया अरेस्ट, धन परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप। औरैया में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, यात्रियों की बची जान, लोगों ने मुश्किल से कार सवारों को बाहर निकाला, 2 लोग हुए घायल। गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन, मस्कट जर्सी और थीम सॉन्ग लॉन्च। बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिन से जोरदार बर्फबारी, मंदिर परिसर के पास 5 फीट मोटी बर्फ की परत, पहाड़ों पर हो रही जमकर बर्फबारी, चमोली में दिखाई दी अद्भुत तस्वीर, बद्रीनाथ मार्ग पर लामबगड़ नाले में दिखा ग्लेशियर, पहाड़ी से पानी की तरह बहती दिखी बर्फ की नदी, स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। 2 दिन की लगातार बर्फबारी के बाद ओली का मौसम सुहाना, शीतकालीन खेलों के लिए हो रही है तैयारी। पहाड़ के रास्ते पर गिरा मलबा, खतरे को देखते हुए पहले ही रोका गया था ट्रैफिक। आजमगढ़ में बुलेरो और बाइक की टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौत। आरा के औषधालय भवन में आग, दवा सहित कई कागजात जलकर राख। बिहार के गया में रेत निकाले जाने के विरोध में चल रहे धरने के दौरान हंगामा, एक गाड़ी में आग लगाए जाने की खबर। धरना दे रहे गांव वालों का आरोप, ठेकेदारों की तरफ से धमकी और फायरिंग, खुद ही गाड़ी में लगाई आग। देहरादून में फोर्ड पिको कार में लगी आग, हरियाणा से घूमने आए शख्स की बाल बाल बची जान। थाने में एमआईडीसी की केमिकल कंपनी में आग, 2 मजदूर जख्मी। पालघर में केमिकल कंपनी में आग, फास्ट की कंपनी आई चपेट में। मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का किया विरोध, युवाओं को दी चेतावनी। हिंदू महासभा की तरफ से ऐलान, वैलेंटाइन डे के दिन उनकी टीम रेस्टोरेंट और पार्क में घूमेगी। होशियारपुर में अस्पताल के बाहर हंगामा, मरीज को कर दिया गया मृत घोषित, बाहर आते ही हुई हरकत। मुरादाबाद में शॉर्ट सर्किट से आग, सिलेंडर में धमाके। वडोदरा में अभिभावकों का प्रदर्शन, नई शिक्षा नीति का कर रहे थे विरोध। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बैठक में ब्रज के साधु संतों के अलावा स्थानीय लोग शामिल, शाही ईदगाह विवाद को लेकर चर्चा। रिवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में चल रहे लंदन ब्रिज फनफेयर मेले में हादसा, टूटकर गिरा झूला। हादसे में 2 बच्चे और 1 महिला जख्मी, बंद कराया गया मेला। अमरावती में देसी शराब भट्टे पर छापेमारी, 1,13,000 की शराब नष्ट। यूपी के बस्ती में भू माफियाओं पर कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर 1 करोड़ की संपत्ति पर अवैध कब्जा हटाया गया। अयोध्या में नाबालिग के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में 5 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी फरार। हुगली के आराम बाग में 2 हाथियों का शहर में तांडव, भागते दिखाई दिए लोग। गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, विधि विधान से पूजा पाठ, पीएम मोदी ने दी बधाई। उत्तर गोवा जिले में नरवे गांव में 350 साल पुराना है यह मंदिर, शिवाजी महाराज ने कराया था पुनर्निर्माण। मुरैना में रेलवे
हनुमान जी को जारी किया गया था नोटिस। 7 दिन में मंदिर हटाने की बात, एतराज के बाद पुजारी के नाम किया गया नोटिस। दरभंगा में धान के किसान परेशान, खरीदारी नहीं होने से बिगड़ रही है माली हालत। करनाल में नगर पालिका संघ से जुड़े कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश में हड़ताल की धमकी। बिग बॉस सीजन 16 के विजेता बने बस्ती के हस्ती एमसी स्टैन, शिव और प्रियंका को पीछे छोड़ा। सलमान खान ने स्टैन को दी बधाई, इनाम में रैपर को मिले 31 लाख रुपए।